दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, आतिशबाजी के कारण AQI की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है बहुत बढ़ गया, आतिशबाजी के कारण AQI की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जबकि ऑर्डर्स थे पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, पटाखे बिक भी नहीं रहे थे, उसके बावजूद भी दिल्ली की अगर रात की बात की जाए, दिवाली की बात की जाए, तो काफी आतिशबाजी जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। और AQI लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा AQI लेवल बढ़ गया, 312 दर्ज हुआ AQI लेवल। पड़ोसी शहरों की स्थिति भी गंभीर है, गाजियाबाद में AQI 301 पे रहा है। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना प्रदूषण जो है ये फैला है बीती रात। तो आतिशबाजी के कारण AQI की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिवाली के दिन सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली, जहां पे कि प्रतिबंध था क्रैकर्स को लेकर, पटाखों को लेकर प्रतिबंध था, वहां पर भी जमकर आतिशबाजी की गई। तो दिल्ली के बाद दिल्ली एनसीआर में, दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफी बढ़ गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिवाली की रात के बाद AQI जो लेवल है वो बढ़ गया, प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया ये हम आपको बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा कैसे हो गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आतिशबाजी हुई, जो पटाखे लोगों ने जलाए, प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कब कितना रहा AQI? साल 2016 में 445 था, 30 अक्टूबर का यह दिन था जब दिवाली मनाई गई थी, और आप देखिए उस समय 400 से ऊपर था। उसके बाद साल 2017 की अगर हम बात करें, 19 अक्टूबर का दिन, दिवाली के एक दिन बाद वाला जो दिन था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 407 पर था, यानी कि 400 से ऊपर था, और इसको माना जाएगा कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी एयर। साल 2018 की बात करें तो 400 से नीचे लाने में सफल रहे, 390 हो गया। 7 नवंबर का ये दिन था जब एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया गया था। 2019 की अगर हम बात करें तो 368 था, थोड़ा और नीचे आया, यानी कि कुछ फायदा तो हुआ क्रैकर्स पर लगाम लगाकर। 27 अक्टूबर के दिन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा। लेकिन 2020 की हम बात करें, ये वो दिन था जब, ये वो साल था जब कोरोना ने पैर पसारे थे अपने, 435 एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ गया, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया। साल 2021 की बात करें तो और आगे आ गया, 462 पे पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रैकर्स, कोई कहता है पराली जला दी थी, 4 नवंबर का ये दिन था। और अब अगर जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की, शहर का AQI लेवल अगर आप देखें, अगर ये बढ़ जाता है 300 और 400 के बीच में रहता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, कह सकते हैं कि जानलेवा हो सकता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, 200 से और 342 के बीच में रहेगा तो बहुत वेरी अनहेल्दी जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन अगर 342 से 400 की तरफ जाता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, कहते हैं कि एक आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दिखा रहे हैं आपको, गुरुग्राम का भी दिखा रहे हैं, जहां पे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं कि वहां पर अनहेल्दी, दिल्ली से थोड़ा ठीक है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां 300 से आगे चले जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बता रहा है कि यहां की जो हवा है, जो यहां की फिजा है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और हमारे संवाददाता अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जो खबर आ रही है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमने आपको दिखाया, उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि दिल्ली की जो हवा है, दिल्ली की जो फिजा है, काफी बिगड़ गई है दिवाली की रात के बाद। ठीक है, बिल्कुल अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, दीपावली के बाद से जो मौसम में बदलाव आया है, जो आंखों में चुभन वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एयर इंडेक्स जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। AQI का जो वातावरण है पूरी तरह बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों धुंध वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, और ये हर साल के मुकाबले अगर कहा जाए तो कुछ इजाफा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जब ये दीपावली के बाद जो पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन था, जिसके बाद आंखों में चुभन या कह सकते हैं कि एक सांस लेने में परेशानी, जहरीली हवा हो गई थी, और वही स्थिति फिलहाल बनी हुई है रवीश। अरे लेकिन तमाम बातें की जाती है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आता है कि क्रैकर्स नहीं जलाने, चलिए हमने देखा कि इस बार क्रैकर्स बिक नहीं रहते पटाखे, लेकिन जब रात का वक्त आया उस दौरान तो आतिशबाजी जो थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। देखिए बिल्कुल, रात में 11 बजे के बाद से जो आतिशबाजी ने अपना रूप लिया है वो सुबह 5 बजे तक रहा है, जिसके चलते पूरी तरह से जो वायु पॉल्यूशन जहरीला हो चुका है, और उसका बड़ा परिणाम देखने को मिला है दिल्ली एनसीआर में, कि चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, नोएडा हो, या फिर दिल्ली के विभिन्न इलाके हो, जहां पर लोगों को सांस लेने में आंखों में चुभन हो रही है, जो बाइक सवार अपने ऑफिस आना या जाना करते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध वाली स्थिति है और आंखों में जलन हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया था कि पराली
जलाने के लिए किसानों को समझाया गया, किसान ऐसा न करे, लेकिन इसके बावजूद भी जो किसानों ने हालांकि पराली नहीं जलाई, लेकिन दीपावली के पास जो पॉल्यूशन की बिगड़ा है, जो वायु पॉल्यूशन फैला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। एनसीआर में चाहे नोएडा की बात की जाए रवीश, चाहे बुलंदशहर की बात की जाए या फिर गाजियाबाद की बात की जाए, यहाँ के जिला अधिकारियों ने एक मैसेज पहले ही वायरल किया था जिसमें कहा गया था कि अगर पटाखे ना जलाएं, अगर यदि जलाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई को लोगों ने पीछे छोड़ते हुए अपनी तरह पूरी तरह जो आतिशबाजी का मजा लिया और वायु पॉल्यूशन जो फैला है वो उसका बड़ा कारण माना जा रहा है। रवीश अली, हम देखते हैं कि जहां पे जब दिवाली होती है उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि एक विंटर सीजन जो है स्टार्ट हो चुका होता है इंडिया के अंदर और खासकर एनसीआर की अगर हम बात करें, और स्मॉग एक बन जाती है, एक लेयर बन जाती है और फिर ये आगे भी कंटिन्यू रहती है। आपकी अगर कुछ मौसम विभाग में बात हुई हो, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बिगड़ गया है, क्या ये 3-4 दिन तक इसका असर दिखने वाला है? क्योंकि फिर खबर ये भी आती है कि उधर से पराली जलाई जा रही है पंजाब से, हरियाणा से, तो क्या इसका ये असर है कुछ और दिनों तक भी दिखने वाला है? ऐसी ही फिजा में हमें सांस लेनी पड़ेगी? लेकिन रवीश, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई सालों से लगातार हम और आप देश की जनता इसका पूरा सामना कर रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर जब पराली और दीपावली के पास जो धुंध वाली स्थिति पैदा होती है उसके 2 से 3 दिन का असर रहता है, और खासकर ये बच्चे बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है, क्योंकि यहाँ सांस लेने में परेशानियां पैदा होती हैं। अगर डॉक्टर डिपार्टमेंट के माने तो उनका भी 700 रुपये कहना होता है कि जिन्हें 70 साल के आसपास जिन बुजुर्गों की उम्र है या बच्चे हैं उनको इस वातावरण में बाहर लेकर ना निकलें, क्योंकि उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टरों की यही सलाह है, और अगर हमने मौसम यहाँ के जो इंडेक्स AQI के देख रेख करने वाले उन लोगों से जब बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि स्थिति 1 से 2 दिन बनी रह सकती है, तो दिल्ली NCR के जो लोगों को फिलहाल इसका सामना करना पड़ सकता है। अली, एक चीज और हमने देखी, विजिबिलिटी भी जो है ना वो भी खराब हो जाती है जब स्मॉग की लेयर आती है, और उससे पहले हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, विजिबिलिटी पर भी उसका खासा असर देखने को मिलता है फिर? बिल्कुल, देखिए विजिबिलिटी पे खासकर पूरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सड़कों पर लोग सफर कर रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं धुंध का सामना करना पड़ता है, और धुंध इस स्तर का होता है कि एक जलन आंखों में पैदा करता है, और जब इसको जो बुजुर्ग है उनको सांस लेने में परेशानी आती है, तो ये 2 दिन ये स्थिति रह सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अली हमसे बातचीत करने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से दिल्ली की जो हवा है प्रदूषित हो चुकी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ चुका है।